जिले में बेखौफ अपराधियों ने बैंक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ये वारदात बेगूसराय के चेरिया बेरियापुर में हुई है। यूको बैंक की ब्रांच में लूट की है। बताया जा रहा है कि करीब 6 की संख्या में बदमाश हथियार के साथ बैंक के अंदर दाखिल हुए हैं और हथियार के बल पर कैश काउंटर से लूटपाट की। इस दौरान बदमाशों ने बैंक मैनेजर को पिस्तौल की बट से मारकर घायल कर दिया है। करगहर प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर राशन कार्ड सहित अन्य कामों के लिए आए ग्रामीणों ने एक ही काउंटर पर अत्यधिक भीड़ हो जाने से परेशान और कुविसता से नाराज होकर जमकर रोड़ेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों और कर्मियों में बहुत बहस हुई। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए कर्मी कार्यालय छोड़ भाग खड़े हुए। बिहार में भले ही शराबबंदी सख्ती से लागू किए जाने की बात नीतीश कुमार की सरकार कह रही हो, लेकिन शराब के अवैध धंधे से जुड़े कारोबारी कैसे अपने कारोबार को करते हैं, इसका एक और वीडियो समस्तीपुर से सामने आया है। इस वीडियो में कुछ बच्चों के द्वारा शराब की बोतलों को थैले में भरा जा रहा है। बच्चों द्वारा शराब की बोतलें भरने का वीडियो किसी ने चुपके से बना लिया और फिर वीडियो वायरल कर दिया गया। ये वीडियो कल्याणपुर थाना इलाके के मुसहरी टोला वार्ड संख्या 5 का बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के माघोपुर शराब कांड में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, जो पिछले 3 दिनों से अस्पताल में इलाजरत था। बता दें कि माधोपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की पहले भी मौत हो चुकी है। वहीं एक और व्यक्ति की मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक पहचान माघोपुर निवासी मुख्य धंधेबाज मनोज राय के रूप में हुई है। घटना की जानकारी के बाद स्वजनों और रिश्तेदारों में कोहराम मच गया। मधेपुरा में एक 10 वर्षीय मासूम की घर के आंगन में ही फांसी लगाकर मौत होने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के वक्त मासूम 13 साल के अपने बड़े भाई मानस के साथ घर में अकेला था। उसके माता पिता दोनों ही शिक्षक हैं और अपनी अपनी ड्यूटी पर गए थे। बच्चे को घर के आंगन में फांसी लगे सबसे पहले उसके बड़े भाई ने देखा। जमशेदपुर में पुलिस ने लेडी स्पा में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भांडा फोड़ दिया है। पुलिस ने स्पा से आपत्तिजनक सामान के साथ 3 युवक और 3 युवतियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद लड़के लड़कियों की मेडिकल जांच कराई गई, जिसके बाद सभी को भेज दिया गया। फिलहाल स्पा को सील कर दिया गया है। शहर के बाद ग्रामीण इलाके में लूट छिनतई की घटना होने लगी है। ताज़ा उदाहरण पद्मदा थाना क्षेत्र की है। यहाँ बाइक सवार 2 बदमाशों ने सेवानिवृत्त शिक्षक धनंजय मांझी से दिन दहाड़े 20,000 रुपए की छिनतई कर ली। विरोध किए जाने पर उसे जमीन पर गिरा दिया और भाग निकले। इसकी शिकायत पटमदा थाना को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच कर रही है। संदेह पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र यूनियन बैंक के सामने से कदमा निवासी निर्मल कुमार से 6,00,000 रुपए की लूट मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इस मामले में बिष्टुपुर थाना की पुलिस ने बिहार के कटिहार के कोड़ा जुरंगाबाद में छापेमारी कर पवन कुमार यादव और एक और महिला को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बिष्टुपुर थाना की पुलिस ने बिहार के कटिहार के कोड़ा जुरंगबंगज में छापेमारी कर पवन कुमार यादव और एक और महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर छीनी गई 6,00,000 रुपए और छिनतई में प्रयुक्त 2 बाइक बरामद किए। झिकरहाटी गांव के रहने वाले सूरज शेख ने महज 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। उसे पहले बरग लाया और फिर शादी का झांसा देकर विश्वास हासिल किया। इसके बाद 1.5 माह तक उसके साथ गलत काम किया। किशोरी की मां ने मुफ्तसल थाना की पुलिस से शिकायत की है। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। राजधानी रांची के बरियातू इलाके के मंडा बगीचा के पास जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष की लड़कियों ने पुलिसकर्मी सहित उसके परिवार वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसमें बताया है कि दिलीप तिर्की नाम के पुलिसकर्मी सहित अन्य ने मारपीट की है। इसे लेकर आलोक तिर्की की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि दूसरे पक्ष से दिलीप तिर्की ने भी बरियातू थाने में मारपीट का आरोप लगा शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से दिए गए आवेदन पर जांच शुरू कर दी है।